कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। विंटर नाइट में रिवर साइड कैंपिंग जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आज के नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ एक सुंदर सी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और लोकेशन जो है ना वो गौणीछड़ा की साइड को है। तो गौणीछड़ा वाला झरना तो आप सभी को मैंने दिखाया था, वो कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो अभी जो है ना घर से निकलते हैं गौणीछड़ा की साइड को। अभी मैं पहुंच चुका हूं ठीक गौणीछड़ा के सामने, और गौणीछड़ा का ये सुंदर सा व्यू आप सभी का दिल छू लेगा। ये था गौणीछड़ा का सुंदर सा व्यू, और अब जो है ना अपनी कैंपिंग लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। साउंड सुन के आप सभी को पता चल रहा होगा कि ये झरना जो है ना वो कितना ज़्यादा बड़ा है। और हमारे गांव में ना तीन झरने हैं, जिसमें से सबसे बड़ा वाला झरना गौणीछड़ा वाला है, यानी यही वाला। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी कैंपिंग लोकेशन के सामने, और बाइक को यहीं पे खड़ी करते हैं और बढ़ते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। लोकेशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है रिवर बैंक साइड, और इधर साइड जो है ना व्यू तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ मरे जानवर की बदबू आ रही है, वो भी काफ़ी गंदी। ये देखो, ये है मरा हुआ जानवर, और मुझे ना ये नदी पार करके जाना है दूसरी साइड को। पता नहीं कौन सा मरा हुआ जानवर है, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है कि क्या ही बोलो यार, बता नहीं सकता मैं। मैं पहुंच चुका हूं अपनी कैंपिंग लोकेशन पर, और कैंपिंग लोकेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन नदी पार करने में जो ठंड लगी है ना
पैर मेरे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है नदी का। मुझे लगा था कि यहाँ लकड़ियों की जो है ना वो दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लकड़ियाँ मिल गई मुझे, और भी काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ जो है ना वो पीछे पड़ी हुई हैं, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से लेने के लिए आ सकता हूँ। मेरा कैंपिंग टेंट जो है ना वो तो नीचे की साइड को है और मैं ऊपर जंगल की साइड को आ गया था। रिवर साइड कैंपिंग में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और बाहर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन अंदर भी जो है ना वो काफ़ी ठंड लग रही है। तो ऐसा करते हैं कि एक मस्त सी कॉफ़ी बनाते हैं और आराम से बैठकर कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं।
अभी बाहर जो है ना वो अंधेरा हो चुका है बिल्कुल ही, और अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि बाहर जो है ना वो आग जला लेनी चाहिए यार, है ना बाहर, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। कितना बड़ा कीड़ा, इसकी आँखें कितनी खतरनाक लग रही है यार। आग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जल रही है, और अब ऐसा करते हैं कि रात का जो है ना वो डिनर बनाने की तैयारी करते हैं, और आज रात के डिनर में मैं बनाऊंगा एग रोल। सबसे पहले जो है ना वो वेजिटेबल चॉप कर लेते हैं एग रोल बनाने के लिए। अभी मैंने चॉपिंग तो कर दी है, और बाहर देखो कितना सुंदर सा नज़ारा लग रहा है, क्या अच्छी आग जल रही है, और पीछे की साइड जो है वो कितना मस्त अंधेरा सा हो रखा है। मैं ना अभी बाहर गया लकड़ियाँ लगाने के लिए चूल्हे में, और बाहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, मुझे लगता है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर बाहर ज़्यादा देर रहूँगा तो, बहुत ठंडा हो रहा है।
मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था यार काफ़ी देर पहले से, कि बनाना तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही खांदा मांग्याल कैल पहली, गढ़वाली में बोलते हैं, और जो गढ़वाली होंगे ना उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसे देखकर। इसमें जो है ना वो हम हल्का हल्का नमक मिर्च डालेंगे बस। ये जो वेजिटेबल है ना इनको हम हल्का हल्का ही पकाएंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाएंगी ना तो इसमें जो टेस्ट है ना उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, अंतर यानी कि वो इतना ज़्यादा टेस्ट ही नहीं रहेगा। बस इतना काफ़ी है। देखो अभी बन के हो चुके हैं रोल तैयार, और ये देखो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। बाकी खा के देखता हूँ यार कि कैसे जी बने हैं। भाई कसम से बहुत ही गजब का टेस्ट आ रहा है यार। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। मैंने रात का डिनर तो कर लिया है, और बाहर से जो है ना वो काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो है ना वो बाहर का लास्ट नज़ारा दिखाता हूँ, और फिर जो है ना ये कैंपिंग टेंट बंद कर देता हूँ, क्योंकि रिवर साइड कैंपिंग भाई ठंडियों के टाइम पे बहुत मुश्किल है। आग देखो अभी भी जल ही रही है, और बाकी चारों तरफ अंधेरा है। नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है अच्छी, बाकी तो चारों तरफ अंधेरा है। और अब जो है ना वो अपना कैंपिंग टेंट बंद कर देते हैं बस। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर से, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी, इसीलिए अपने कैंपिंग टेंट को जो है ना जल्दी बंद करो। बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अब तो बस खाना खाने के बाद जो है ना वो सीधा मेरा सोने का मन करता है। तो सो जाओ बस। वैसे मैं एक चीज़ बताऊं आप सभी को, मैंने ना यहाँ ये जो लोकेशन है ना इसके बारे में काफ़ी हॉरर चीज़ें सुन रखी थी, गौंडछेड़ा के बारे में काफ़ी हॉरर चीज़ें। मैं ठीक गौंडछेड़ा के जो है ना वो ऊपर ही हूँ जस्ट, बस गौंडछेड़ा मेरे से ज़्यादा 100 मीटर दूर होगा बस इतना ही।
यहाँ के बारे में बहुत हॉरर चीज़ें थी, लेकिन उन्हें जो है ना वो मैं याद नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर जो है ना वो अभी मेरे दिमाग में घूमने लग गई है। बस अब जो है ना मज़ा आ गया भाई खाना खाने में, अब जो है ना वो अच्छी सी नींद आ जाए तो भाई ये कैंपिंग जो है ना वो बिल्कुल ही मज़े से कट जाए मेरी। जैकेट उतारो और कोने की साइड रख दो। मॉर्निंग तो हो चुकी है और उठते ही सबसे पहले जैकेट पहननी पड़ी, क्योंकि कैंपिंग टेंट के अंदर भी ना बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और स्लीपिंग बैग से तो मेरा अभी भी निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अभी बाहर जो है ना वो इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा और इतना उजाला हो नहीं रखा, क्योंकि अभी जो है ना वो सूर्य देवता प्रकट नहीं हो रखे। कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है यार, बहुत ही ज़्यादा। एक चीज़ तो है कि विंटर नाइट में रिवर साइड कैंपिंग जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठंड से हालत पतली हो जा रही है भाई। अब ऐसा करेंगे कि पहले आग जलाएंगे, उसके बाद रिवर में जाकर मुंह हाथ धोएंगे ठंडे ठंडे पानी से। ये है यार लाइफ, मस्त खुले पानी में मुंह हाथ धो और फिर जो है ना मस्त करके आग सेको, बहुत मजा आया भाई। कैंपिंग का कुछ अलग ही मजा आया अपने। काफी देर से मैं आग सेक रहा हूँ, तो अब ऐसा करते हैं कि अपना जो है ना वो सामान पैक कर लेते हैं। कैंपिंग टेंट पर ओस बिल्कुल भी नहीं गिर रखी और फिर भी ना कैंपिंग टेंट के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, यानी कि जब ओस गिरने लग जाएगी उसके बाद कैंपिंग करना कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना कैंपिंग टेंट और बाकी सारा सामान जो है ना वो उठा दिया है, और अब ऐसे करते हैं कि घर जाने की जो है ना वो तैयारी करते हैं। और आई होप आपको ना ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कैंपिंग वीडियोस आती रहेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।